पाकिस्तान में जजों ने कोहराम मचा दिया है। जहां एक बड़ा खुलासा कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भर भर कर रूस को क्या भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पड़ोसी देश पाकिस्तान में अब वो सब हो रहा है जो हम कभी 90 के दशक की हिंदी फिल्मों में देखा करते थे और रोमांच से भर जाते थे। तब की कई फिल्मों में ऐसा होता था कि अदालत में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश के परिजनों को अगवा कर लिया जाता था, जिसके बाद हीरो की एंट्री होती थी और वो सभी कुछ ठीक कर देता था। दुर्भाग्य से पाकिस्तान में अब ये हकीकत में हो रहा है, मगर इसे ठीक करने के लिए कोई हीरो नहीं आता है। पाकिस्तान में किस तरह इंसाफ का गला घोटा जा रहा है और जुडिशियल सिस्टम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसका खुलासा खुद वहां के जजों ने किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने चिट्ठी लिखकर आरोप गया है कि खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के लोग उन्हें आजादी से काम करने से रोक रहे हैं और दबाव डालकर और धमकी देकर गलत फैसले लिखने को मजबूर कर रहे हैं। इन जजों ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से मामले में दखल देने की मांग की है। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजों ने सर्वोच्च सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सदस्यों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में न्यायाधीशों के रिश्तेदारों के अपहरण और उत्पीड़न के साथ साथ घरों के अंदर गुप्त निगरानी करने और उसके जरिए जजों पर दबाव बनाने के आरोपों का जिक्र है। 25 मार्च को लिखे गए इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 6 जजों में जस्टिन मोहसिन अख्तर कयानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार इजाज इसाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज शामिल है। हाई कोर्ट की जजों की इस चिट्ठी के बाद पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। जजों ने इन आरोपों की जांच की मांग होने लगी है। हाई कोर्ट के जजों ने जिस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को चिट्ठी लिखी है उसके सदस्यों में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा, पाक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अब अख्तर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पेशावर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान शामिल है। इन जजों को लिखी चिट्ठी में हाई कोर्ट के जजों ने यह भी सवाल किया है कि क्या न्यायाधीशों को डराने, धमकाने और उन पर दबाव डालने की कोई सरकारी नीति मौजूद है। इन जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी की उस मांग का भी समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने ISI के गुर्गों द्वारा हस्तक्षेप के आरोपों के जांच की मांग की है। खैर, अब ये एक नया तरीके का यहाँ पर बम गिरा है पाकिस्तान में, जिसे कहते हैं जजों का चिट्ठी बम, और यहाँ पर हंगामा मच गया है इस चिट्ठी से। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने इन बातों को रखा है उससे एक चीज तो सुनिश्चित हो गया है कि यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम आजाद नहीं है और यहाँ पर फैसले कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ रूस भारत को लेकर अक्सर सवाल होता है कि भारत और रूस के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती क्यों है। क्या रूस अगर चाइना की तरफ मूव हो जाएगा तो फिर भारत क्या करेगा। बहुत तरह के प्रश्न कई बार उठाए जाते हैं। हाल फिलहाल में ऐसे ही प्रश्न डॉक्टर एस जयशंकर से किए गए, जिसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा था कि मैं अगर भूतकाल में जाकर देखता हूँ तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि रूस ने हमारे लिए कुछ गलत किया हो। तो हमें ऐसा कोई भी नई घटना दिखती है जहाँ रूस की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो या जहाँ रूस की वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं, तो हम इसलिए भी रूस के साथ रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं। अब इसी बीच एक खबर आती है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, जिस पर उन्होंने पूछा गया कि अच्छा एक बात बताइए, चाइना की तरफ अगर मूव होता हुआ रूस दिखेगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस पर इन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने अपने रिश्ते अपने अपने हिसाब से संभालते हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्या करेगा हम क्या करेंगे, इस पर हमारे रिश्ते निहित होते हैं, तो हम ये चीज नहीं सोचते। बाद बाकी हम अपने अपने रिश्तों को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा तरीके से हम सिक्योर रहें, एक दूसरे के हितों को नुकसान हम नहीं पहुंचाएं। यहाँ गोल मटोल सा जवाब भारत ने दे दिया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है। भारत ने हाल फिलहाल में अमेरिका से तेल खरीदना जारी कर लिया है। अमेरिका से तेल
खरीदने के पीछे एक बड़ा कारण है, और कारण ये है कि अमेरिका ने रूस के कई बड़ी कंपनी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह करती थी उनके ऊपर भी बैन लगाना शुरू कर दिया है। तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भारत रूस से अगर ज्यादा तेल खरीदने की कोशिश करेगा तो भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब इसे देखते हुए भारत ने धीरे धीरे अमेरिका से ही तेल खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इसी बीच रूस कुछ मुसीबत में भी फंस गया है, और ये मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि अमेरिका के प्रतिबंधों को कड़े करने के बाद चाइना यूएई के बैंक भी अब यहाँ पर पेमेंट क्लियर करने में रूस के साथ आनाकानी दिखला रहे हैं। इस बार के जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों का असर दिख रहा है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि रूस ने भारत को एक बार फिर से बड़े मार्जिन पर तेल का ऑफर भी दिया है कि हम आपको सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ दे सकते हैं ताकि भारत कहीं और न जाए। पर यहाँ पर कई सारी चीजें फिर भी रिस्की हो जाती हैं कि वो तेल कैसे आएगा, क्या वो शैडो फ्लीट के जरिए आएगा या फिर किसी और रास्ते से आएगा। रूस भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि तेल की बिक्री उसकी होती रहनी चाहिए और तेल पहुंचता रहना चाहिए, तभी उसकी अर्थव्यवस्था में एक उछाल देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ने इस वक्त दुनिया को चौंकाया है, और वो रिपोर्ट है कि भारत ने आखिरकार फरवरी महीने में सबसे ज्यादा रूस को क्या बेचा है। तो फरवरी महीने तक में भारत ने डबल मामले में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट किए हैं। इंजीनियरिंग के चीजें यहाँ पर एक्सपोर्ट किए गए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है। इसके अलावे और भी कई देशों के साथ व्यापार भी बढ़ा है, जैसे यूएई के साथ भारत ने 16% तक अपना व्यापार बढ़ा लिया है। खास तौर पर जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ है तब से ये जो संख्या है ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ी है, और व्यापार की मात्रा भी बढ़ी है। अब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को लेकर कई तरह के सवाल भी हो सकते हैं, पर कहा जा रहा है कि भारत ने करीब 1.22 बिलियन डॉलर के फरवरी महीने तक 2023-2024 का जो ईयर है उसे निकाला गया है तो उसके अनुसार ये भारत ने बेचा है। इससे पहले वाले साल में भारत ने मात्र 616 मिलियन डॉलर का बेचा था, और इस बार ये बिलियन डॉलर में पहुंच गया है। चाइना ने भी एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि इस केस में चाइना के केस में ये देखने को मिला है कि चाइना ने मार्जिनल तौर पर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यह गिरावट कुछ ज्यादा नहीं है, 2.38 बिलियन डॉलर का इस बार बेचा है, जबकि पहले 2.40 बिलियन डॉलर का बेचा था। यूएई ऑस्ट्रेलिया को भी भारत के एक्सपोर्ट बढ़े हैं जैसे जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।